समाज प्रगति सहयोग संस्था के अंतर्गत संचालित बागली समिति के द्वारा कोरोना महामारी की आने वाली लहर को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन मशीन निःशुल्क भेंट की गई। गुरुवार के दिन तहसीलदार राधा महनत डॉक्टर विष्णुलता उइके की उपस्थिति में समिति सदस्य सोभित जैन द्वारा शासकीय अस्पताल बागली, पुंजापुरा, उदयनगर, कमलापुर के लिए एक एक ऑक्सीजन मशीन निशुल्क भेंट की गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही अपने पड़ोसी और गांव मोहल्ले के बीच हुए सभी पात्र हितग्राहियों को वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध भी किया गया। समिति द्वारा जो ऑक्सीजन मशीन भेंट की गई है, इससे गरीब वर्ग के लोगों को काफी फायदा पहुँचेगा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। क्या था कि सेकेंड वेव के बाद हमने देखा जैसे कि ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तो कई सारी संस्थाएं जो हैं वो चाहती थी कि ये स्थिति फिर से ना आए, और ख़ासतौर से थर्ड वेव जो अभी तक नहीं आया है पर उसकी संभावना तो है ही, तो वही स्थिति जो सेकेंड वेव में हुई थी उसकी कमी ना, उस ऑक्सीजन की कमी ना, इसलिए हमने ये सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हम अलग अलग स्वास्थ्य विभागों में हम ये इन्वर्टर्स के साथ भी हैं, जिससे कि कभी बिजली नहीं है तो ये लगातार सतत चलते रहे। कितनी मशीनें दी गई है हमारी बागली के अराउंड 4 मशीनें हमने दी हैं, भिकनगांव में भी हमने 4 मशीनें वहाँ पर दी हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।